Welcome to Mishika classes. Today's Python part number 3. In today's class, we are going to discuss about the data types and the operators. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. आज हमारी Python की part number 3 की class है. आज हम क्या discuss करने वाले हैं? The rest of the data types which we have left in the previous class and the operators. If you like the videos, please like it, share it and subscribe my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने जो दो ऑपरेटर्स ऑलरेडी जो दो डाटा टाइप्स हमने जो ऑलरेडी डिफाइन कर दिए थे वो हमारे पाइथन पार्ट नंबर 2 में है. आज हम स्टार्ट करेंगे जो रेस्ट ऑफ द 3 डाटा टाइप्स हमारे रह गए थे. द फर्स्ट इज अ बूलियन डाटा टाइप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूलियन? बूलियन मींस यस और नो और 0 और 1, ट्रू और फॉल्स. मींस बूलियन जो है बेसिकली ये दो ही वैल्यूज पे काम करता है. बूलियन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डाटा इन कंडीशन ट्रू और फॉल्स ऑफ द वेरिएबल. बूलियन जो है बेसिकली ट्रू और फॉल्स की कंडीशन को ही बताने में हमारी हेल्प करता है. ये जो वेरिएबल की कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है वो बताता है. इट टेल्स ओनली टू वैल्यूज. ये सिर्फ दो ही वैल्यूज को डिस्क्राइब करता है. द ट्रू और फॉल्स वी कैन से दैट जो आंसर आएगा वो हमें ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ही दिखेगा. मीन्स हमने वो वैल्यू असाइन करी है, हमने वो काम किया है तो ट्रू है, हमने वो काम नहीं किया तो वो कंडीशन फॉल्स है. The keyword used for the boolean data is bool. जो keyword use होता है boolean data में वो कौन सा है? Bool. B-O-O-L. Bool. Next is the set data type. अगला data type कौन सा है? Set. Set का मतलब क्या हो गया? जो हम data को set कर रहे हैं. Assign कर दिया हमने values को और वो set हो गया. It is used to store the collection of the data. अब हमने क्या करा? जो हमारी collection है data की, जो पूरा data है, अब हमने क्या करा? उस data को collect करा और उसको store करवाना है. उसका काम क्या हो गया? सेट डाटा टाइप के अंदर हम करते हैं. इसमें जो डाटा होता है बेसिकली दैट वाज इन द अनऑर्डर्ड फॉर्म, अनचेंजेबल फॉर्म एंड अनइंडेक्स्ड फॉर्म. जो डाटा होता है सेट डाटा टाइप्स का वो कैसे होता है? एक तो होता है अनऑर्डर्ड, दूसरा क्या होता है? अनचेंजेबल, और तीसरा क्या होता है? अनइंडेक्स्ड. अनइंडेक्स्ड का मतलब वो सेम अनऑर्डर्ड के साथ ही चलता है. कैसे? मतलब क्या होता है अनऑर्डर्ड का? अनऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है? कि वो ऑर्डर में नहीं है. मींस हम आगे पीछे उसको रैंडमली कॉल कर रहे हैं. मतलब हमें कुछ बेसिकली जैसे हमने कल डिस्कस किया था, ऑर्डर का मतलब होता है कि उसमें इंडेक्सिंग होती है, मतलब काउंटिंग दी जाती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. क्योंकि पाइथन के अंदर तो 0 से ही काउंटिंग स्टार्ट होती है. तो हम यहाँ पर ही बात हम करेंगे कि उसकी जो काउंटिंग होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से ही स्टार्ट होती है. बट इन केस ऑफ अनऑर्डर्ड इसमें कोई भी काउंटिंग नहीं होती है. मतलब रैंडमली आपने तो सिर्फ डाटा को असाइन करना है कि ये हमारा कुछ डाटा है, इसको हमने असाइन कर दिया. अब पाइथन क्या करेगा बेसिकली, जो अगर हम सेट डाटा टाइप कर रहे हैं तो उसमें से वो अपने अकॉर्डिंगली ही किस डाटा को उसे पहले पिक करना है, किस डाटा को उसे बाद में पिक करना है, वो अपने आप देखता है. दैट इज वाई वी सेड दैट द डाटा ऑफ पाइथन इज अनऑर्डर्ड इफ वी आर चूजिंग द सेट डाटा टाइप. अगर हम सेट डाटा टाइप को यूज कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो डाटा क्या यूज कर रहे हैं? अनऑर्डर्ड यूज कर रहे हैं. तो अनऑर्डर्ड है तो वह अनइंडेक्स तो अपने आप ही हो गया क्योंकि उसमें काउंटिंग ही नहीं है बेसिकली. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनऑर्डर्ड डाटा टाइप? द आइटम ऑफ सेट डू नॉट हैव अ डेफिनेट ऑर्डर. जो सेट है उसका डेफिनेट ऑर्डर नहीं होता, मतलब उसकी इंडेक्सिंग नहीं होती है. द इंडेक्सिंग ऑफ द वेरिएबल इज नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए उसकी इंडेक्सिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट क्या है हमारा? अनचेंजेबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनचेंजेबल? जो चेंज नहीं हो सकता. मींस क्या है? डाटा इज अनचेंजेबल. हम ये बात कह रहे हैं कि वो डाटा चेंज नहीं हो सकता है, बट न्यू आइटम्स कैन बी एडेड एंड ओल्ड आइटम्स कैन बी रिमूव्ड. हम नई आइटम्स को ऐड कर सकते हैं और पुरानी आइटम्स को हम निकाल सकते हैं. हम इतना काम तो कर सकते हैं लेकिन ये नहीं है कि हम ओवरराइटिंग कर दें. मींस हम द सेट जो सेट क्रिएट कर दिया, अगर हमने एक बार डाटा को हमने क्रिएट कर दिया, डाटा को क्रिएट कर दिया, सेट इज क्रिएटेड, देन नो आइटम इज चेंज. कोई भी आइटम चेंज नहीं होगी, जो है वो वही रहेगा. हम बस इतना कर सकते हैं, हमने उसमें से कोई पर्टिकुलर डाटा है उसको डिलीट करना है तो हम वी कैन डिलीट दैट, वी कैन रिमूव दैट. और हमने कोई डाटा ऐड करना है तो वी कैन ऐड दैट. हम कोई डाटा को ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं. एडिशन और डिलीशन दोनों ही ऑप्शन हमारे पास ओपन होंगी, बट मॉडिफिकेशन इज नॉट ओपन. मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हम डाटा की. मीन्स हम डाटा को चेंज नहीं कर सकते. दैट इज द मीनिंग अनचेंजेबल. एंड एक और थिंग क्या है, इसमें डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती. अब चेंज ही नहीं कर सकते तो डुप्लीकेसी कैसे अलाउड होगी ना? तो डुप्लीकेसी ऑफ द डाटा इज ऑल्सो नॉट अलाउड. तो मतलब क्या कर रहे हैं हम इसमें? एडिशन हो सकती है, रिमूवन हो सकता है, मतलब एड हो सकता है, डिलीट हो सकता है, बट द मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटा इज नॉट पॉसिबल. और द रिपीटेशन ऑफ द डाटा इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होगी और चेंजेस अलाउड नहीं होंगे, सिर्फ एडिशन और
रिमूवल, दो चीजें ही अलाउड होंगी. द नेक्स्ट इज अ डिक्शनरी डाटा टाइप एंड दिस इज अ लास्ट डाटा टाइप. डिक्शनरी का क्या मतलब होता है, क्या होता है डिक्शनरी का मतलब? मीन्स जहाँ पे हमें किस चीज का मतलब उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस चीज की भी अब हम बाद में सर्च कर रहे हैं उसकी डिक्शनरी में से, तो हमें उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोन डिक्शनरी की बात करूँ, अगर मैंने किसी पर्सन का फोन नंबर ढूंढना है तो मैं क्या करूँगा, उस पर्सन का नेम से सर्च करूंगी, मुझे उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर और जो भी इसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग उसके कॉन्टेक्ट से मुझे सब मिल जाएगी. सेम ऐसे ही अगर मैं यूज कर रही हूँ कोई इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग डिक्शनरी, तो मुझे क्या होगा उसके रेलेवेंट जितने भी मीनिंग्स होंगे मुझे मिल जाएंगे. अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज कर रही हूँ तो मुझे उसकी वर्ब फॉर्म्स, उसके एंटोनियम्स, उसके सिनोनियम्स, मुझे ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर वर्ड की मिल जाएगी. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी डाटा टाइप क्या करेगा, इट इज यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ द नेम, डाटा को कलेक्शन जो भी है वो कर रहा, एंड द रेलिवेंट डाटा इन द डाटाबेस सिस्टम, उसकी जो भी रेलेवेंट डाटा है, उसकी जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है डाटाबेस सिस्टम के अकॉर्डिंगली वो उसमें सेव करता चला जाएगा. क्या करा, मींस मैंने नेम दे दिया और मुझे किसी बच्चे का डाटाबेस सिस्टम बनाना है, स्कूल का कोई स्टूडेंट है, मुझे डाटाबेस सिस्टम बनाना है, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, द नेम, द फादर नेम, द मदर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, द व्हाट्सएप नंबर और क्लास सेक्शन एडमिशन नंबर, दीज आर द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मुझे उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ये चीजें चाहिएंगी, इफ द सिबलिंग इज अलाउड. तो ये सारे के सारे रेलेवेंट डाटा मैं डिक्शनरी डाटा टाइप का यूज कर सकती हूँ. तो मैंने एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, तो नेम देने के बाद जो भी उसके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी मुझे विजिबल हो जाएगी जब एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब मैं इसे रन करूंगी तो मैं सारा का सारा यूज करवाने मुझे हेल्प करेगा. तो इन दिस वे पाइथन इज यूज एज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरीके से पाइथन जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करेगा. अभी हम थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, एक बार हमें डाटा टाइप्स ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए, देन वी विल स्टार्ट इसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हम लोग देख रहे हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर हम एक बार यूज हो जाए, मतलब पता चल जाए पाइथन में कौन सी चीज कैसे यूज होती है, उसके बाद हम जब इसकी प्रोग्रामिंग रन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, नाउ इट एलोकेट द यूनिक की वैल्यू. अब वो नेम को हमने सर्च कर लिया तो यूनिक की वैल्यू असाइन कर देगा. वो की वैल्यू बेसिकली क्या है, जिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू मैं वो देख सकती हूँ, मैं वो मेरे ऊपर है, मैंने नेम से सर्च करा है एडमिशन नेम, मुझे क्या चीज उसको यूनिक की वैल्यू देनी है वो मैं दे सकती हूँ. मैं यूनिक की वैल्यू बेसिकली हम उसकी वैल्यू को देते हैं जो सब में डिफरेंट हो, किसी से किसी का भी मैच ना हो. तो ज्यादातर जब हम स्टूडेंट डाटाबेस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें एडमिशन नंबर लेते हैं हम यूनिक की वैल्यू को. ओके, तो यूनिक की वैल्यू क्यों लेते हैं एडमिशन नंबर, क्योंकि वो सबका डिफरेंट होता है. अगर मैं किसी ऑफिस का किसी मतलब वर्क प्लेस का अगर मैं मैनेज वो बना रही मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहां पर भी जो एम्प्लॉय आईडी होती है दैट वी चूज एज अ यूनिक की वैल्यू. इट कम्युनिकेट द कंटेंट ऑफ द डाटा, इस तरीके से हम अपने डाटा के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं. नेक्स्ट इज द ऑपरेटर्स. अगर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं हमारा, दैट वाज अ ऑपरेटर. अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, द आइडेंटिफायर्स पढ़ चुके हैं, डाटा टाइप पढ़ चुके हैं, अब हमारा ऑपरेटर स्टार्ट हो गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर किसे कहते हैं, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन अ वेरिएबल्स एंड अ वैल्यू असाइंड इन अ प्रोग्राम. जो भी वैल्यूज हमने असाइन करी है प्रोग्राम के अंदर या फिर जो भी ऑपरेशंस को हमने परफॉर्म करवाना है अपने वेरिएबल्स के थ्रू, तो वो सब के सब हम किसके थ्रू करवा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स की तरफ हम लोग उनका यूज कर सकते हैं. अब बेसिकली ऑपरेटर्स होते क्या चीजें, जस्ट सिंबल्स हम यूज करने वाले हैं. इट इज अ सिंबल विच इज यूज टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस, जो हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म करवानी है उसके लिए जो सिंबल्स का यूज करना है दैट इज अ ऑपरेटर, उसे क्या कहेंगे हम, ऑपरेटर कहेंगे. नेक्स्ट इज अ ऑपरेंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेंड, द वेरिएबल्स ऑन विच द ऑपरेशन इज परफॉर्म, वो वेरिएबल्स जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसे हम क्या कहेंगे, ऑपरेंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेंड, इट इज अ वेरिएबल ऑन विच द ऑपरेशन इज परफॉर्म, जिस वेरिएबल्स पे हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना उन्हें क्या कहेंगे, ऑपरेंड. सिंबल्स हैं उन्हें ऑपरेटर कहते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उन्हें ऑपरेंड कहते हैं. फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, मुझे दो नंबर्स हैं ए और बी जिनको ऐड करवाना है, तो ए और बी मेरा ए और बी जो मेरा ऑपरेंट हो गया और प्लस का जो साइन है ऑपरेटर, उसे क्या कहेंगे, ऑपरेटर कहेंगे. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. फर्स्ट इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर, नेक्स्ट वन इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑपरेटर, after that logical operator, then identify operator, then membership operator, and last is a bitwise operator. These are the some operators that we use in the Python. ये कुछ operators हैं जिनको हम Python में use करते हैं. From
ऑल ऑफ दिस वी आर डिस्कसिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर इन टूडेज क्लास. आज की क्लास में हम सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर को ही डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर? ऑपरेटर व्हिच इज यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस. वो ऑपरेटर्स जो किसके लिए यूज करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस में यूज करते हैं, दैट इज नोन एज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. क्या परफॉर्म कराएंगे? अर्थमेटिक मतलब मैथ्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. इट हेल्प्स इन द मैथमेटिकल कैलकुलेशन. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं बेसिकली? इट हेल्प्स इन द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. व्हाट आर द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? द फर्स्ट इज द एडिशन. एडिशन मीन्स ए प्लस बी. दो नंबर्स का ऐड करना है. दो से ज्यादा का भी ऐड करोगे तब भी पहले दो लेगा, फिर नेक्स्ट थर्ड वन लेगा. ओके, तो एडिशन ऑपरेटर में क्या होगा बेसिकली? ए प्लस बी. नेक्स्ट वन इज अ सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन मीन्स टू नंबर का सब्ट्रैक्ट करना, टू नंबर को माइनस करना. ए माइनस बी. एडिशन के अंदर ए प्लस बी एंड सब्ट्रैक्शन का मतलब ए माइनस बी. आफ्टर दैट द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन. मल्टीप्लीकेशन मीन्स दो नंबर का मल्टीप्लाई करना. ए मल्टीप्लाई बाय बी. दो नंबर का क्या करना हमने? मल्टीप्लाई. नेक्स्ट इज अ डिविजन. डिविजन इज अ टू टाइप. फर्स्ट इज अ फ्लोट डिविजन. फ्लोट डिविजन में ए डिवाइडेड बाय बी. और नेक्स्ट का मॉडुलस. मॉडुलस में क्या होता है? ए मॉडुलर बी. ए डिवाइड बी में क्या होता है? क्वेश्चन लेते हैं. और मॉडुलस में क्या लेते हैं? हम रिमाइंडर लेते हैं. नेक्स्ट इज अ फ्लोट डिविजन. फ्लोट डिविजन में क्या होता है? ए डबल स्लैश का बी में. अभी हम बताऊंगे आपको फ्लोट और फ्लोर में डिफरेंस क्या होता है. नेक्स्ट इज अ एक्सपोनेंशन. एक्सपोनेंशन में क्या होता है? एक्सपोनेंटेशन में होता है ए पावर ऑफ बी. ए की पावर बी में जो है वो हम सॉल्व करेंगे. आफ्टर दैट द डिविजन. डिविजन में क्या होता है? फ्लोट एंड फ्लोर. फ्लोट डिविजन किसे कहते हैं? द क्वेश्चन इज फ्लोट, आइदर नंबर इज इंटीजर और फ्लोट. इसमें फ्लोट डिविजन अगर हम कर रहे हैं तो क्वेश्चन हमारा फ्लोट ही आएगा, चाहे हमारा नंबर इंटीजर है चाहे हमारा नंबर फ्लोट है. बट इन केस ऑफ फ्लोट डिविजन द क्वेश्चन इज फ्लोट इफ द नंबर इज फ्लोट. अगर नंबर हमारा फ्लोट होगा तो ही हमारा क्वेश्चन फ्लोट आएगा. इफ द नंबर इज इंटीजर तब हमारा क्वेश्चन इंटीजर आएगा. अगर नंबर इंटीजर है तो क्वेश्चन भी इंटीजर आएगा. अगर नंबर फ्लोट है तो क्वेश्चन भी फ्लोट आएगा. लास्ट इज द प्रेसिडेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंस? मींस प्रेफरेंस. किसको प्रेफरेंस पहले मिलेगी अर्थमेटिक ऑपरेशंस में? सबसे पहले मिलेगी पैरेंथेसिस में, मींस ब्रैकेट को सबसे ऊपर की प्रेफरेंस मिलती है. आफ्टर दैट द एक्सपोनेंशियल पावर को मिलती है. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के बाद सेम प्रेफरेंस होती है. नेक्स्ट इज द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन. इसको सबसे कम प्रेफरेंस होती है. हाईएस्ट प्रेफरेंस किसके पास है? पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट्स के पास है. और सबसे कम किसके पास है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पास. सबसे कम जो इसके प्रेफरेंसेस है मींस अगर मैं सॉल्व करूं, सबसे पहले पाइथन किसको सॉल्व करेगा? ब्रैकेट को. उसके बाद किसको सॉल्व करेगा? एक्सपोनेंशियल को. एक्सपोनेंशियल मींस पावर को सॉल्व करेगा. उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगा. सेम पावर है, मल्टीप्लाई और डिवाइड है. पावर मल्टीप्लीकेशन के अंदर ही आती है. और जो डिविजन है बेसिकली फ्लोर डिविजन और फ्लोट डिविजन दोनों आती है. आफ्टर द जो प्रेफरेंस है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के बाद भी सेम लेवल है. दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज क्लास. ये आज की क्लास के बारे में ये जो हमने पढ़ा. आई होप यू गेट द पॉइंट. जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आपको समझ में आया होगा. इफ सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.